नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल पे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक पर्ल जो इयररिंग्स है वो बना सकते हैं। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक मेटैलिक गोल्डन की लिया हुआ है और उस पर मैंने यहाँ पर एक वाइट पर्ल जो कि थोड़ी बड़ी साइज़ की है उसे डाल दिया। फिर इसके बाद में मैंने एक जो है स्मॉल साइज़ की पर्ल डाल दिया, वाइट कलर के मोती डाल दिया। और इसे मैं चेन नोज प्लायर की हेल्प से जो है यहाँ पे एक हुप बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसे बनाना बेहद आसान है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और आप भी इसे बना सकेंगे। फिर मैं इसे जो है यहाँ पे चेन नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकेंगे, और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप कर सकेंगे। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर शेप दे देना है, और जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। फिर इसके बाद में चलिए हम इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने प्रॉपर शेप दे दिया है, अब आप देख रहे होंगे, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का मैंने यहाँ पे जो है पर्ल लिया हुआ है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक मेटेलिक आईपिन लिया हुआ है गोल्डन कलर का, और इसके एंड को मैं कुछ इस तरीके से अनफोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने मोती का एक जो है सेट तैयार रखा था उसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैच कर दूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं चेन नोज प्लायर की हेल्प से इसे सिक्योर कर लूँगी, इसके एंड जो है उसे सिक्योर कर लूँगी, उसे टाइटली जो है यहाँ पे फिक्स कर दूँगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और इसे करना बेहद ही सी है। और इस तरीके से अब मैं यहाँ पर एक जो लार्जर साइज़ का जो मोती है उसे अटैच कर दूँगी, जैसे कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पर एक टाइनी जो पर्ल है उसे डाल दूँगी, उसे यहाँ पर इस तरीके से पिरो दूँगी, जैसे कि आप वीडियो पर देखेंगे। और इसे करना भी बेहद ईजी है, जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और इस तरीके से मैं इसके आईपिन के एंड को चेन नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे मैं एक हुप बना रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं एक लूप बन चुका है। और इसे कुछ इस तरीके से शेप दे दूँगी, जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और इसे देना बहुत ही ईजी है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और बस आप मुझे यहाँ पे चेन नोज प्लायर की हेल्प से इसे सिक्योर कर देना है, इसे फिक्स कर देना है, और इसे एक प्रॉपर शेप दे देना है, जो कि मैंने दे दिया है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे एक जो यहाँ पे है एक एयरिंग हुक लूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये गोल्डन कलर का है। और इसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। चलिए फिर हम इसे फिक्स कर देते हैं और इसे अटैच कर देते हैं एयरिंग्स पे। और ये बनकर तैयार हो गया है। और ये इस तरीके से बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप वीडियो पे देखेंगे। और इस तरीके से बस आपको अटैच करना है, और इस तरीके से हमारा एयरिंग्स बनके रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही पार्टी लुक दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से मैंने जो इयररिंग्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको ये किस तरीके से लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और अब मैं आप सभी से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।